अंत में सुन रहे थे कि जीवन को सुधारें, इसका क्या अर्थ है? सुने होंगे जीवन को सुधारें। दो दिन पहले भी सुन रहे थे कि आत्मशोधन, आत्मशोधन करना है। कैसे करते हैं आप लोग आत्मशोधन? आप बताएं आत्मशोधन कैसे करते हैं? मैंने एक दिन कहा था ना कि आत्मा को क्या उसको और कुछ गढ़ना छीलना है ना? आत्मशोधन का क्या मतलब निकला? किसी भी चीज को हमें करेक्ट करना है। कब? जब वह इनकरेक्ट हो। सही है ना? किसी, मैंने कहा था ना, अशुद्ध हो तो शुद्ध करना है। अब उसका शोधन का क्या मतलब है? और एक दिन या उसी दिन भी बताया था कि आत्मा में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह स्वरूप से अपरिवर्तनशील है। शरीर में स्वतः परिवर्तन है, प्रकृति प्रदत्त है वह, आप उसके परिवर्तन को रोक नहीं सकते। आवाज कुछ कम हो तो अच्छी बात। उसको रोक नहीं सकते। एक जगह काम होता है, वह है मन। मन का परिवर्तन ही जीवन का परिवर्तन है। और मैंने कहा था ना, मन ही जीवन है। आपको क्या कहा था? मन ही जीवन है। बस एक संवार लो, एक ठीक कर लो, बस सब काम हो जाएगा। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साध लिया गया, सब सध जाता है, ये साहब ने कहा है। यदि हम इसका प्रयोग करें तो आप और हम में भी लगने लग जाएगा, स्वयं को भी अनुभव होने लग जाएगा। अपने भीतर से भी महसूस होने लगेगा कि जितनी मेहनत दूसरों को सुधारने में करता हूँ, उसे थोड़ा सा भी हिस्सा अपने के लिए करूँ ना तो बड़ा फायदा हो जाए। एक विद्वान अपने बुजुर्गानी में लिखा, जब मैं जवान था, एनर्जी खूब थी, ज्ञान भी खूब था, पूरा कॉन्फिडेंट लेवल हाई में था, तो मन में हुआ कि दुनिया को जगा दूं, चेता दूं। मैंने मेहनत की, समय लगाया, शक्ति लगाई, बाद में लगा समय बीता, बाद में लगा कि अरे नहीं, मैं नहीं बदल सकता हूँ दुनिया को। तो क्या किया? मैंने सोचा चलो अपने देश वालों को बदलूँ। फिर मेहनत की, समय लगाया, काफ़ी समय बीता, तो जवानी तो अब ढलने लगी थी। बहुत दिनों के बाद पता क्या चला, मैं देश वालों को भी नहीं सुधार पाऊँगा। अच्छा चलो, जिस शहर में हूँ वहाँ काम करूँ, जिस गाँव में हूँ वहाँ के लोगों को ठीक करूँ। फिर शक्ति, फिर समय लगाया, तब तक काफ़ी समय बीत गया, तब तक काफ़ी अवस्था ढलती चली गई। तब क्या लगा, अरे गांव वालों को भी नहीं सुधार पाऊंगा। फिर मैंने क्या किया, परिवार वालों को सोचा कि चलो इनके लिए मैं काम करूं, इनको सुधार में लग जाऊं। और तब तक के काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, और समय और शक्ति लगाने के बावजूद क्या महसूस करता है वो, मैं परिवार वालों को भी नहीं सुधार पाऊंगा। अंत में क्या कहा, अब मैं अपने को सुधारूंगा। और जब अपने को सुधारूंगा ये बात आई तो क्या महसूस हुआ, ओफ, यदि यह काम जो मैंने अभी तक किया जीवन में, इसको उल्टा किया होता ना, उल्टा किया होता, अर्थात पहले अपने पर काम किया होता, तो शायद मेरे सुधरने से मेरा प्रभाव, मेरे सुधरे हुए जीवन का प्रभाव मेरे परिवार को होता। मेरे परिवार यदि सुधर गया होता, उसका प्रभाव गांव वालों को होता, समाज को होता, और फिर वो गांव और शहर जो सुधरा होता, राष्ट्र को होता, और सुधरे हुए राष्ट्र का प्रभाव विश्व को भी पड़ सकता था। लेकिन ऐसा मैंने
और कहाँ, और समय मेरा चूक गया। आप फिर हर सब में बता रहा हूँ, ये हम पंक्ति सुने कि नहीं सुने, हम बदलेंगे, याद करो क्या कहते हैं, हम बदलेंगे, सही कह रहे हैं। ये आवाज़ कहाँ से निकल रही है, यहाँ से ना, मुँह से, ओंठ से निकलती है। भीतर में क्या मान्यता है बताऊं, ये हमारी पत्नी मेरी बदल जाती ना, ये ठीक हो जाती तो मैं बिल्कुल करेक्ट हूँ, ठीक हो जाता। इन लोगों से पूछ लो, ये हमारे श्रीमान है ना, बस यही भर सुधर जाए, घर वाले ठीक हो जाएं, मैं सही कह रहा हूँ। हम सभी अपने आसपास के लोगों को ही बदलने में मेहनत करते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध कहानी शायद मैं कई बार आप लोगों को सुनाया हूँ, मन होता है फिर से कहूँ। एक इंसान ऑफिस से लौटा अपना काम करके, शाम का वक्त था, उनका छोटा नन्हा सा बच्चा देखा पापा आ रहे हैं, उन्होंने मचल गया, पापा पापा मैं आपके साथ खेलूँगा, प्रायः छोटे बच्चे करते हैं ना, पापा पापा मैं आपके साथ खेलूँगा। इतना सा बड़ा फाइल रजिस्टर लेकर के घर आया था, उन्होंने कहा बेटा देख रहे हो मेरा कितना काम है, मुझे काफ़ी ऑफिस का काम पिछड़ा हुआ, मुझे करना है ये सब काम, मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे साथ खेलने का, नहीं मुझे खेलना है तुम्हारे साथ। अब छोटा बच्चा बड़ा हैरान, क्या करूं, कहा देखो मैं कितना पीछे हूं अपने काम में। छोटे बच्चे ने कहा, क्या कहा, हमारे क्लास में जो बच्चे पीछे हो जाते हैं ना उसको अलग बैठा देते हैं पीछे की ओर, जो पढ़ने में पीछे हो जाते हैं ना होमवर्क में उसको पीछे बैठा देते हैं, आपको पीछे क्यों नहीं बैठा देते हैं। उसने क्या कहा, ऑफिस और स्कूल का मामला अलग अलग है, मुझे करने दो काम। उसने कहा नहीं मुझे खेलना है। अब बच्चे का जिद, अब उस बच्चे से किसी भांति बला टले तो क्या किया, सामने एक टी टेबल रखा था, उसमें एक पत्रिका रखी थी मैगजीन, तो देखा कि उसमें बीच में क्या पड़ा, एक नक्शा है, विश्व का नक्शा प्रिंटेड था। उसने क्या किया, आवाज जाएगी आप तक, उस कागज को निकाल लिया जिसमें विश्व का नक्शा प्रिंटेड था, छपा हुआ था। फिर क्या हुआ, उसको कई टुकड़े में फाड़ दिया, फिर फाड़ करके उस बच्चे को दिया, सेलो टेप दिया और क्या कहा, जैसा विश्व का नक्शा था इसको फिर से उसी रूप में जोड़ दो, उसको फिर से करेक्ट कर दो सेलो टेप वगैरह लगा करके, और ऐसा कर लोगे तब तुम्हारे साथ खेलूंगा। वो महानुभाव को क्या विश्वास था, ना नौ मन तेल जुटेगा ना राधा नाचेगी, क्यों ये जोड़ पाएगा विश्व का नक्शा, छोटा बच्चा कहाँ से जोड़ पाएगा, नहीं जोड़ पाएगा, और इसी में उलझा रहेगा और मैं अपना काम करूंगा, मतलब भला टाला। और लड़के को तो उत्साह था, मुझे खेलना है अपने पापा के साथ, गया काम शुरू किया, ऐसा चमत्कार, कितना लगा, दस मिनट में वो जोड़ करके आ गया। और दिखाया, दस मिनट में जोड़ के आ गया। उसने कहा पापा जी मैं जोड़ लिया। क्या कहा, उसने कहा इतनी जल्दी कैसे जोड़ लिए, उसने कहा जोड़ लिया ना बड़ा सरल, अरे ऐसा लगता है तुमसे मुझे कुछ सीखना पड़ेगा, तुम मेरे से भी ज्यादा जानते हो कि कैसे जोड़े बताओ इतनी जल्दी। क्या कहा उसने, कैसे जोड़े इतनी जल्दी, कहे बहुत सरल है पापा ये तो बहुत सरल है, अरे बताओ तो सही कैसे जोड़े। उसने क्या कहा, कागज के पेज दो होते हैं ना, एक पन्ने के दो पेज होते हैं, तो उसका जो पृष्ठ भाग है अपोजिट साइड में, उसके अपोजिट साइड में जो नक्शा था विश्व का, उसके अपोजिट में क्या था, एक आदमी का चित्र था। और मैंने क्या किया, आदमी को ठीक किया, मुझे पता है ना सिर कहाँ है, पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, और मैंने तो केवल एक काम किया, उस आदमी को करेक्ट किया,
बस ठीक ठाक किया, और जैसे उलट करके देखा तो क्या हो गया था, क्या हो गया था, विश्व का नक्शा अपने आप ठीक हो गया था। पता है वो आदमी कौन है, कौन है वो, हम ही लोग तो हैं, सही है कि नहीं है। क्या करना है, दुनिया को बदलना है कि अपने को, खुद को, स्वयं की जीवन की जिम्मेदारी स्वीकारें। ये शब्द आप दिमाग में लिख लीजिए, और चाहे आपका विजन बोर्ड होगा ना उसमें लिख लीजिए। क्या लिखना है, मैं जीवन का 100% जिम्मेदार हूँ। क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन पाए कि ऊपर ऊपर फेंक दिए, हाँ आ रही है। मैंने क्या कहा, मैं जीवन का 100% जिम्मेदार हूँ, यह आपको खुद से कहना है। क्या कहना है, मैं जीवन का 100%, अच्छा जब बोल के सुनाओ, मुझे नहीं लगता कल बोलेंगे आप लोग, आज बोलिए, बोलिए आप लोग, मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे पीछे बोलिए, मैं जीवन का 100% जिम्मेदार हूँ। कुछ लोग नहीं बोले, क्या कह रहे हैं साहब, 33 में भी पास हो जाते हैं, 60 में तो फर्स्ट डिवीजन आते हैं, सही है, और 90 के ऊपर तो वैसे ही मेरिट में आ जाता है, तो 100 की क्या जरूरत है। ऐसा होता होगा ना, मैं क्या बताऊं, यहाँ 99 से काम नहीं चलेगा, सुन लीजिए, कितने से, 99 आप यदि जिम्मेदारी स्वीकारे तो काम चलने वाला, कितना, 100%, सही है, ये भी सुन लीजिए, 100% स्वीकारने का क्या मतलब है, केवल कहने से काम नहीं चलेगा, 100% जिम्मेदारी स्वीकारने का अर्थ क्या है, कि जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है, जो भी रिजल्ट मुझे डे बाय डे मिल रहा है, उसके लिए मैं किसी को दोष नहीं देता। ये 100% जिम्मेदारी स्वीकारने का अर्थ है, समझ, ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। 100% जिम्मेदारी स्वीकारने का अर्थ है, जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है, गले में कुछ फंस रहा, जीवन में चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे संबंध हो, चाहे मेरे पास धन की स्थिति हो, चाहे मेरी मानसिक शांति हो, चाहे मेरी परिस्थिति हो लोगों के सामने, चाहे मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा अपमान, जो कुछ भी, फिर से कह रहा हूं, जो कुछ भी, स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य अच्छा है, परस्पर में संघर्ष है परिवार में, परस्पर में प्रेम है, धन पर्याप्त है, धन कम है, मानसिक उलझन है, मानसिक शांति है, लोग सम्मान करते हैं, लोग अपमान करते हैं, इसका जिम्मेदार ख्याल क्या, स्वयं। इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं देता और बहाना नहीं बनाता। यह है 100% जिम्मेदारी स्वीकारने का अर्थ। और यह जब करने लगेंगे तो जो कुछ होगा, तो आप क्या करेंगे, भीतर झांकेंगे, फिर जब भी कुछ गड़बड़ी हुई तो कहेंगे कहां गलती हो गई। जब भी आपके मन में लगा कोई दुख है, कोई कुछ भी है, परेशान, कुछ भी परेशानी हुई, तो भीतर जाएं, क्यों मैं दुखी क्यों हूं, मैं अशांत क्यों हूं, तो आप देखेंगे इसका मतलब आपके विचार अच्छे नहीं है। आप ध्यान दीजिए क्या होगा, अच्छे नहीं है, शुरुआत वहीं से होती है आपका। बस जैसे मन में प्रेम हो, मैत्री हो, करुणा हो, क्षमा का भाव हो, ईमानदारी हो, विनम्रता हो, सहनशीलता हो, धैर्य हो, ये ऐसे प्रकार के विचार हो, दूसरे के प्रति हित चिंतन हो, मैत्री का भाव हो, क्या उस समय आप दुख का अनुभव करेंगे, मैं पूछ रहा हूं आपको, दुख का अनुभव करेंगे, नहीं करेंगे। कब करेंगे, जिस समय आपके मन में नफरत हो, घृणा हो, द्वेष हो, किसी को, किसी से बदला लेने का भाव हो, किसी से मिलने की बेताबी हो, ये विचार, जो नकारात्मक विचार हैं,
ये आपके लिए दुख के कारण बन रहे हैं। करना क्या है? अब देखिए, करना क्या, मैं ये बताना चाहता हूं। असल में शोधन का मतलब ये बताना चाहता हूं, करना क्या है। जब भी नकारात्मक विचार मन में आए, जब भी नफरत, द्वेष, घृणा, क्रोध के विचार आए, क्रोध आ रहा है मन में किसी के प्रति, कब आता है? जब किसी की गलती हुई, किसी की गलती हुई या किसी से आपने कुछ कहा ऐसा करिए वैसा करिए और काम नहीं किया, तो फिर क्या होता है मन में? कई बार तो हम बोलते हैं, क्रोध को ओपनली प्रकट कर देते हैं, और कई बार भीतर भीतर अंदर अंदर में हम सुलगते हैं। मैं बताता हूं क्या करते हैं, सुलगते हैं सपचय और धुंधवाए, साहब ने कहा है, सपचते हैं, धुंधवाते हैं भीतर भीतर में, और वो आपके बाहर निकलता है। मैंने कहा ना, रेडिएशन निकलता है। अब आपको क्या करना है, अंदर चेक करना है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे अंदर में, क्यों मैं असहज महसूस कर रहा हूं। आपको फिर थोड़ा सा पीछे जाना है, स्वास्थ्य ही खराब हुआ, पेट ही गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा पीछे जाना है। मैं कल क्या खाया, परसों क्या खाया, कुछ तो आपको बेक जाना पड़ेगा। ऐसे ही आपको थोड़ा सा पीछे गए, कैसे विचार सोच रहा हूँ इस समय में, क्या हो रहा है, क्यों ऐसा सोच रहा हूँ। अब उसको क्या करना है, यदि आप इससे खुश नहीं हैं तो आपको क्या करना है, जान बूझ करके आपको अच्छे विचारों को ला करके स्थापित करना है। ये काम देखिए मैं बता रहा हूँ, जीवन अपने आप नहीं बदलता है, ये ध्यान दीजिए, शरीर अपने आप बदलता है लेकिन जीवन अपने आप नहीं बदलता है, जीवन में परिवर्तन अपने आप नहीं आता है। बोलिए सद्गुरु देव की साहब बंदगी। सभी साहेब बंदगी साहेब बैठ जाएं प्लीज। आप सभी अपना अपना आसन ग्रहण करें, ये तो रोज बोलिए सद्गुरु देव की। बैठ सकते हैं तो बैठ लीजिए, हाँ बैठ सकते हैं तो बैठ लीजिए जल्दी। इस बीच से आना जाना बंद कर दें, साहब लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग पीछे से रास्ता है आप वहाँ जाएं। ये सारे नकारात्मक विचार जो हमारे भीतर आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, और जिसके नाते हम दुखी बने रहते हैं और न स्वयं दुखी बने होते हैं, आसपास के लोगों में भी दुख का वातावरण बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गलत करके केवल अपना नुकसान कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, हम जब भी गलत करते हैं तो केवल अपना ही नुकसान नहीं करते हैं। यदि केवल आप अपना नुकसान करते ना, तब तो जैसा करना हो करो ना, कौन बोलने के झंझट में पड़े। आप बहुतों का नुकसान करते हैं। एक बार एक वक्ता, शिव खेड़ा का नाम सुने होंगे, जेल में गए थे बोलने के लिए, स्पीच दे रहे थे, नशा वगैरह के बारे में बोलते कि नशा नहीं करना है, वो करना है, तो एक जेली आकर के बोलता है, शिव क्यों बोलते हो आकर के इस प्रकार से लोगों के बीच में? गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी नहीं है, हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग रोके, हाँ रोके, ये हम लोग की। तो हुआ क्या, आप लोग कृपा करके वहीं खड़े रहे ना, सीधी सी बात है, बैठ लीजिए बाहर, हाँ बस ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। और बड़ी विनम्रता से कहा ना कि इधर नहीं उधर जाओ कह के। वो रास्ता गोहल जी लोगों को जाने के लिए दे देना है कि नहीं, जाने के लिए दे दो रास्ता, ठीक है, हाँ, क्योंकि पूरा पार करके आएंगे तो 1 किलोमीटर का फासला हो जाएगा।
तो क्या करना है, क्या कह रहा था भूल गया ना। हाँ, शिवखेड़ा की बात हो रही थी। उन्होंने कहा क्यों आकर के बोलते हो सबके बीच में, करें दो नशा, क्या बिगड़ता है आपका, क्या आपको बोलने का पैसा मिलता है। उसने क्या कहा, पैसा, पैसा के लिए नहीं बोलता हूँ मैं, लेकिन और कुछ मिलता है मुझे, दूसरी चीज़ें हैं जिसको तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन फिर भी करने दो ना नशा, कोई करता है तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है। उसने कहा मैं आपकी बात मान जाऊं, लेकिन यदि कोई नशा करने वाला इंसान गाड़ी चलाए और गाड़ी चला करके वो किसी पेड़ से टकराए, किसी पत्थर से टकराए और खुद अपना नुकसान करे, तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन नशा करके यदि वो अपने साथ यदि 4 और 10 लोगों को मार रहा है, तो मैं समाज में रह करके मेरी जिम्मेदारी हो जाती, मैं ऐसे लोगों को रोकूं कि वो ये गलती न करे। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप गलत करके केवल अपना ही नुकसान करते हैं, क्रोध करके केवल अपना नुकसान नहीं करते हैं, शराब पी करके अपना नुकसान नहीं करते हैं, द्वेष और नफरत करके केवल अपना नुकसान नहीं करते हैं, साहब बहुतों का नुकसान। मैंने कहा ना, मानसिक प्रदूषण, आप बिल्कुल ही गलत रिलेशन क्रिएट करते हैं, लेकिन प्रेम और मैत्री करके, क्षमा करके, अच्छे भावों को ला करके न केवल अपना फायदा करते हैं औरों का भी। आखिर बुद्ध और महावीर, सद्गुरु कबीर, चाहे लाहौजे हो, अब नाम गिनाने की जरूरत नहीं है, चाहे वर्तमान के संत हो, गुरुदेव जी हो, कोई भी हो, अपने घर से अकेले तो निकले, अपने घर से अकेले तो निकले, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को अच्छा कर लिया, कितने को अच्छा कर दिया, कितने को प्रभावित किया। इसलिए वो तभी होता है, गलत विचार तभी आते हैं जब हमारे भीतर में अच्छे विचार नहीं होते हैं। मतलब क्रोध का आना इस बात का सबूत है कि मन में प्रेम नहीं है, क्षमा नहीं है, और ये हो जाए तो वो अपने आप चले जाएंगे इसके अभाव में। जैसे अंधकार क्यों है, क्योंकि प्रकाश नहीं है। सही है, अंधकार क्यों है, कुर्सी ले लो, क्योंकि प्रकाश नहीं है। यदि अंधकार को भगाना है तो क्या करना होगा, अंधकार को भगाने के लिए अंधकार से लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है, क्या करना है, आपको एक दीपक जलाना है, एक ज्योति प्रकट करनी है, बस अंधकार को भगाने के लिए मेहनत करनी। ऐसे ही जितने नकारात्मक विचार हैं, यदि हम उससे निजात पाना चाहते हैं, उससे अलग होना चाहते हैं, और जिससे हम हमको तकलीफ हो रही है, दूसरों को तकलीफ हो रही है, तो हमें क्या करना है, इन सद्गुणों को, ये सद्गुण जो हमारे भीतर ऑलरेडी मौजूद है, सचमुच देखो ना, ऑलरेडी मौजूद है, बस उसको आपको क्रिएट करना है। और वो शक्ति जो छिप करके बैठी हुई है, जब तक उसे आह्वान नहीं करेंगे, आह्वान नहीं करेंगे, उसे जोर से प्रकट नहीं करेंगे, वो बाहर नहीं आती है। क्रोध के अवसर तो मिलते हैं आपको, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, कोई गलती बस फट से क्रोध निकालते हैं। यद्यपि यदि समझ सही हो तो वहीं क्षमा का भी अवसर है, गलतियों को क्षमा भी कर सकते हैं, लेकिन आदत किसकी बनी हुई है, आदत बनी हुई है क्रोध करने की। अब परिवर्तन करना है आदतों में, ले आकर रजिस्टर सर, रजिस्टर में उसी से तो शुरुआत होगी। इसलिए आवश्यकता क्या है साहब, इधर आ जाइए, ये लाना होगा। और मैंने क्या कहा था, जान बूझ करके आपको उसको लाना होगा, वो अपने आप नहीं आएंगे, अपने आप नहीं आएंगे, आपको उसको लाना होगा कि आए। ये परिवर्तन का यही तरीका है। परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ ही होता है एक चीज, हाँ ये है ठीक है, एक चीज को हटा करके दूसरी चीज रख देना। तो एक गलत विचार को हमें क्या करना है, हटा करके अच्छे विचारों को लाना है, और उससे बढ़िया क्या है, अच्छे विचारों को लाओ, वो अपने आप हट जाएंगे, वो अपने आप हट जाएंगे।
इसलिए ये काम, ये शोधन है, ये करना है, मतलब जो आपका है नेचुरल उसे बचा करके रखना है, और जो सचमुच जिससे आपको तकलीफ मिल रही है उसे हटाना है, हटाना है, यही है संवारना।